ऋषि रुको, हमें बात करनी है तुमसे। मॉम प्लीज, अभी बात नहीं कर सकता, बाद में बात करता हूँ। बाद में नहीं ऋषि, हमें अभी बात करनी है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अर्जेंट है, मैं बाद में बात करता हूँ। ऋषि हमारी बात सुनो, रुको। मॉम प्लीज बात रुको, कहा ना बात कर। कहाँ जा रहे हैं आप? एक मिनट, हमें बात करनी है ऋषि। वो किडनैपर फिर से कॉल करेगा तो इन्हें बात करनी होगी। ओह नो, ऋषि को तो इन लोगों ने रोक लिया। पता नहीं कितना टाइम लगेगा ऋषि को यहाँ। जितना जल्दी सब कुछ करना है उतना ही लेट हो रहा है। अभी तो लक्ष्मी को भी चाबी भरनी है, उसके दिमाग में शक डालना है। ओके कूल, ठीक है। जब तक ऋषि यहाँ बिजी है, मैं ये काम कर देती हूँ। मैं लक्ष्मी को यकीन दिला देती हूँ कि ऋषि ने ही पारो को किडनैप करवाया है। यस, मेरी आंखों के सामने से पारो को ले गया और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं दीप, दीप प्लीज प्लीज शांत हो जा, प्लीज रोना बंद कर दे। इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी, तूने कोशिश की ना। पर उससे क्या हुआ? मेरी कोशिश करने से क्या हुआ? पारो नहीं है ना मेरे पास, नहीं ला पाई ना उसे वापस। वो मेरे पास ही थी, चलो अब मैं नहीं कर पाई। मैंने कहा था मैं उसे लेके आऊंगी। मेरी मेरी गलती है, नहीं मेरी वजह से परेशान है वो, मेरी गलती है। नहीं ला पाई उसे वापस। दीप तू क्यों खुद को दोष दे रही है? कुछ नहीं मैंने। दीप दीप सुन मेरी बात, तू क्यों खुद को दोष दे रही है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी, तूने कुछ भी नहीं किया। दीप दी हम ना दोबारा कोशिश करेंगे और पक्का इस बार हम पारो को वापस लेके ही आएंगे। लेकिन ऐसे उदास होने से, रोने से दी क्या होगा? पारो मिलेगी हमें? नहीं ना। तो दीप दी हमें पारो के लिए ना मजबूत रहना पड़ेगा, खुद को संभालना होगा दी पारो के लिए। दी हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, दोबारा कोशिश करनी ही पड़ेगी। दी 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 तो सुन रही है ना मेरी बात? दी मेरी तरफ देख, दी मैं तेरी हालत समझ रही हूँ, लेकिन ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है। मुझे देखने के लिए तो बहुत परेशान हो जाती है वो। चलो मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मुझे ना पारो के लिए बहुत बहुत बेचैनी हो रही है। दी तुझे मजबूत बनना ही पड़ेगा ना पारो के लिए, पारो के लिए हमें मजबूत बनना ही पड़ेगा, है ना? चल इंस्पेक्टर सर के पास जाके उनसे बात करते हैं, मदद मांगते हैं। अब तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता लक्ष्मी, ये मलिश्का का फाइनल वार है। ऐसी चोट है ये, इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। तू सही बोल रही है, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। मैं बैठ नहीं सकती ऐसे, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। हाँ हम बात करते हैं इंस्पेक्टर से। हाँ चल चल। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये तो मलिश्का की आवाज है, किसी से बात कर रही। हाँ और वो भी ऐसे चोरी चोरी। मेरी एक बात का ध्यान रखना, पारो का अच्छे से ख्याल रखना। अच्छा मेरी बात सुनो, पारो को ना कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसे एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, वरना तुम जानते हो ना कि ऋषि कितना गुस्सा हो जाएगा। ऋषि बहुत प्यार करता है ना उसे, तुम तो ये बात जानते हो, तो इसलिए शिकायत का कोई मौका मत देना। और हाँ सोच लो, ऋषि आ रहा है अभी पारो से मिलने के लिए 2 घंटे में। अगर पारो ने जरा सी भी तुम्हारी शिकायत कर दी ना, तो ऋषि तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और खाना खिला दिया पारो को? चलो अच्छा है। और ना वो ऋषि मेरे, लक्ष्मी किससे बात कर रही थी? बात मैं किसी से भी नहीं बात कर रही थी। तो फिर फोन क्यों कट की?
सुना मैंने तुम जो बोल रही थी सब सुन लिया था। नहीं मैं किसी से भी नहीं बात क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने? और तुमसे बात करना बेकार, ऋषि से बात करूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऋषि से क्यों बात करोगी? तो तुम मुझसे बात करो ना। तुमसे बात करती अगर तुम अकेली होती तो, लेकिन अब मैं ऋषि से ही बात करूंगी। कहाँ है वो? कहाँ है वो? वो हॉल में है, पर तुम मुझसे बात करो ना। लक्ष्मी लक्ष्मी सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना। आप लगाना तीर निशाने पर, अब देखती हूँ कौन किसका शिकार बनता है। माँ बैठे। ऋषि, 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 क्या बात है? क्यों इतना चिल्ला रही हो? मुझे बात करनी है इससे। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है, कुछ पूछना है तुमसे। नहीं, अब तुम कुछ नहीं पूछोगे। कुछ नहीं पूछोगे तुम, सिर्फ जवाब दोगे, और जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। सुना तुमने? जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने? क्या किया? मेरी बेटी कहाँ है? पारो कहाँ है? ये तुम पूछ रही हो या फिर इल्जाम लगा रही हो? क्योंकि ये पूछना कम, इल्जाम लगाना ज्यादा लग रहा है। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ तुम पर। तुमने ये किया है, यही सच है। ऐसा किया है तुमने? क्या? हाँ, मुझे पता चल चुका है ऋषि, और मैं तुमसे सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। हे लड़की, होश में हो? बोलने से पहले देख लो कहाँ खड़ी हो, किससे बात कर रही हो और क्या बोल रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें ऋषि से ये सब कुछ कहते हुए? शर्म? इस लड़की को शर्म आती तो ये सब बोलती ही नहीं। इस लड़की को ना तो शर्म है, ना तमीज है, और ना ही किसी का लिहाज। तुम्हारी हैसियत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे से ऐसे बात करने की? हो नीलम, ये कैसे बात कर रही हो तुम इससे? मम्मी जी, आज आप कुछ नहीं कहेंगी, आज आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगी, क्योंकि आज इसने सारी हदें पार कर दी है। हमारे घर में रहकर, हमारा अन्न खाकर इसने इसने हमें ही धोखा दिया है। पारों के लिए हमारे प्यार, हमारी ममता का फायदा उठाया है इसने, विश्वासघात किया है इसने हमारे साथ। यही है वो जिसने हमारे घर की बेटी, हमारी पोती, हमारी पारों को किडनैप किया है।